सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर पार्कोर वाली वीडियो। एंड गाइज ये वाला जो नेक्स्ट लेवल है, अगर तुम लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना। उसके पहले गाइज मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि आज हम पार करने वाले हैं ये ग्रीन वाला लेवल। इससे पहले हमने ऑरेंज वाला किया था, एंड देखते हैं गाइज कैसा रहता है ये। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। काश की ये वाला जल्दी से पार हो जाए भाई साहब, एक नंबर। क्या ही प्रैक्टिस हो चुकी है गाइज मेरी। जब जितनी भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ भाई, उतना ही ज़्यादा अच्छा गेम प्ले होता जाता है। तो तुम लोग देख ही पा रहे होगे कि कितनी आसानी से मैंने इतने आगे पहुंच चुका हूं इस पार्कोर वाले मैप में। नहीं ओ भैंस भाई यार, कोई कुछ अच्छा नहीं बोलने देगा क्या मेरे को कभी। एक तो गाइज ये वहां पे चेक पॉइंट नहीं है, तो बार बार इसको स्किप करके जाना पड़ता है। और ये भी दम नहीं रही है माँ की इसकी। करते हैं स्टार्ट, होगा धीरे से, अच्छे से होगा एक बार। चलो एक तो पार हो गया। शुरू का तो सबसे पहले बहुत ईजीली पार हो जाता है। क्या करूँ भाई, मैं दब गई भाई साहब, पहली बार में बटन दबी है ये। अरे यार क्या चल रहा है जीवन में मेरे। होगा होगा, लेट्स गो। देखा भाई, बहुत इतनी मौत। सोचो गाइस, अगर ये वाला जो पार्कोर है वो अपने रियल लाइफ में होता तो, एंड हमारे पास सेकंड चांस नहीं होता तो। देखो गाइस, हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है भाई, वो आ जाती लास्ट नंबर पे। वैसे ऐसा अगर हो जाता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि थारा भाई जोगिंदर जैसे लोग कम हो जाते दुनिया में। भाई यार इधर बात करने के चक्कर में मेरी इधर मौत हो रही है, वो देखो तुम लोग यार बस। वैसे उसी का तमाशा तुम लोग देखने आए हो। आई एम सॉरी बाबू। चलो भाई करते हैं कोशिश तो करेंगे भाई। पहली वाली गाइज, अगर सारे लेवल यानी कि सारे ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं वो अगर पहली वाली के जैसे होते तो भाई क्या ही मज़े आते। सोचो अगर मतलब कि इतने ही ईजी होते जैसी पहली वाली होती है, तो तुम्हारा भाई एक सेकंड में पार्कोर मतलब पार्कोर गॉड बन जाता। वैसे इसी बहाने पार्कोर गॉड के बहाने जॉड स्पैम कर दो। अच्छा ठीक है यार, नहीं बड़वारा कमेंट मत करो, गॉड स्पैम जॉड स्पैम मत करो, कुछ और ही कर दो तो, ताकि थोड़े बहुत भाई तुम्हारा मतलब एग्जिस्टेंस तो रहे। तुम लोग आते हो, वीडियो देखते हो और चले जाते हो, भाई लाइक करा करो यार, एंड कमेंट तो करा करो, ताकि पता चल जाए कि भाई तुम आए थे, तुम्हारा नाम रहे कि भाई तुमने सपोर्ट किया है भाई को। पता है गाइज, मैं रिकॉर्ड इतने अच्छी कंडीशन में कर रहा हूँ, तुम समझ नहीं पा रहे होगे। एक तो एक गाइज ठंड का मौसम है, तो गाइज क्या होता है कि मैं रजाई जो होती है ना अपनी, उसको ओढ़ लेता हूँ पूरा सर से लेके पैर तक, ऐसा कि सांस भी बाहर ना जाए। एंड इसकी वजह से पता है क्या होता है, मेरा दम अंदर ही अंदर घुट जाता है। एंड पता है बाहर क्या चल रहा है दुनिया में, ये इसकी कोई खबर नहीं मेरे को। बस मुझे इतना पता चल रहा है कि बाहर मोटर चल रही है जो कि मेरी इस रिकॉर्डिंग की दुश्मन है इसी के लिए। एंड अभी थोड़ी देर पहले तो बाहर भाई कुछ लोग गाने भी बजा रहे थे और बैंड बाजे भी बज ही रहे हैं थोड़ी सी दूर पे। क्या बात, मतलब कि यार समझ रहे हो कि अगर मैं साउंड इफेक्ट ना भी डालूं तो तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि ढिचिंग ढिचिंग पता नहीं क्या हो रहा है इसकी पूरी दुनिया में, पूरी रिकॉर्डिंग में गाइस। तुमको मतलब समझ रहे हो चिड़ियाघर देखने को मिल जाएगा। जो भी ये बकबक करते करते भाई लेवल कितनी अच्छे से पार हो गया, और ये चेक पॉइंट भी यहाँ पे, तो चलो भाई सेट तो हुआ आखिर चेक पॉइंट। चलो भाई जो भी ये, देखते हैं आगे क्या होता है। बजरंगबली का नाम लेके चढ़ जाते हैं इन पे भी। भाई ये वाला लेवल इतनी इजीली कैसे पार हो रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा भाई। पहली बार में ही मैं इतनी आगे पहुंच गया। अरे भाई साहब, अरे भाई यार मैं तुम्हारे सामने मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी नहीं बता सकता यार, देख रहे हो तुम। जैसे ही मैं तुम लोगों को कुछ अच्छा बताता हूँ ना भाई, तो मतलब ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत पे सही चढ़ जाता है और मैं नीचे गिर जाता हूँ। पता है अगर इस तरीके की जंप भाई अगर रियल लाइफ में करते ना कोई, तो भाई उसके ना पेट में गुदगुदी हो जाती, वो सॉरी गुदगुदी नहीं, वो हो जाता, वो समझ रहे हो। हाँ वही समझ गए हो तो ठीक है, कमेंट में बता दो। गाइज ऐसे ही बकबक अगर जैसे तुम लोग करते हो, अगर तुम लोग भी ये मैप खेलते हो, अगर तुम्हें मिल जाएगा तो, जैसे कि मैं लिंक दे दूंगा थोड़े दिनों बाद, पर अगर तुम खेलो तो गाइज बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट मत करना इस चीज़ में। अगर तुम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो ना गाइज, तो क्या होता है कि तुम्हारा ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। मतलब उस चीज़ से क्या होता है कि पार्कोर वाली जैसी चीज़ें होती है वो ठीक से हो नहीं पाती है, जैसे कि हमारे रिजल्ट नहीं हो पाते हमसे। एनीवेज गाइस, उसमें तुम लोगों की गलती नहीं होती है, ना ही मेरी होती है उसमें गलती। गाइस तीसरी चीज़ की होती है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा भाई लेवल तो बहुत आगे पहुंच गया। भाई ये कैसी जगह है, स्लाइम के ऊपर से भैंस की, ये तो वापस धक्का दे देगा अपने को। अरे भैंस की भाई ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा कुछ। चलो चलते हैं,
अरे 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 अबे यार फिर गिर गया भाई। जैसे नीचे जाता है ना तो ऐसा लगता है कि अपना सपना चल रहा है और जैसे ये नीचे टकराएगा वैसे ही नींद खुल जाएगी। अरे भैंस पर काश ये सपना ही होता तो ज्यादा बेटर होता, कम से कम बार बार इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती मेरे को। अरे यार भाई साहब ये क्या ही लीड लेवल है। अरे भाई आगे भाई क्या हो गया मेरे स्किल्स को, पहली पेड़ी भी नहीं चढ़ पा रहा मैं तो। यार क्या है भाई, भाई देखो गाइस ठोकर खाते खाते इंसान आगे बढ़ता है। गाइस तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? गाइस जैसे मैं ज्ञान पेलने की कोशिश करता हूँ ये गेम मेरे को नीचे फेंक देता है। 50 बार फेल होने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ पर अब मैं नहीं चाहता कि मैं मरूँ। ओ भाई साहब, भाई पता है वो जो नीचे 2 बॉल्स रहते हैं ना वो मुंह में आ जाते हैं ऐसे जंप करते टाइम। अरे भैन तो गाइस कहाँ था मैं तुम लोगों से बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था एकदम फैमिली फ्रेंडली, यू नो गाइस हमारा जो चैनल फैमिली फ्रेंडली है। अरे माँ भाई यार चढ़ जा। अरे नहीं तो एक ग्रीन लेवल पार हो जा नहीं तो थारा भाई जोगिंदर का डिस्ट्रैक्ट सुना दूंगा, समझ गया ना भाई? यार हो रहा है हो रहा है हो रहा है भाई, अब तो ऐसा डर खत्म हो चुका है समझ रहे हो? हो गया लो भाई, देख रहे हो भाई पिछले वीडियो में कोई था जो पार्कोर नूब कह रहा था तुम्हारे भाई को, देख लो हो गया पार लेवल। भाई इसके आगे के भी ऐसे ही पार कर देंगे बहुत इजीली, बस तुम लोग सब्सक्राइब करते रहो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड गाइस अगर तुम लोगों को ऐसी और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दो एंड कमेंट में बता देना कि भाई तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी एंड लाइक करके जाना। बाय बाय।